पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हुआ भगोड़ा अमृतपाल, सुबह 7:45 बजे स्पेशल इनपुट के बाद हुई गिरफ्तारी। असम के डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को रखा जाएगा। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। अतीक मर्डर केस में आरोपी लवलेश का बड़ा कबूलनामा, अतीक अहमद से मिलने पहले भी प्रयागराज आया था लवलेश। तीनों आरोपियों की आज होगी कोर्ट में पेशी। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता पर बढ़ेगी इनाम की राशि, 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 इनाम करने का प्रस्ताव तैयार। शाइस्ता पर उमेश पाल केस में शूटरों को फोन और पैसा मुहैया कराने का है आरोप। तेलंगाना दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, चेवेल्ला में जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म आरआरआर की टीम से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में दलित लड़की की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन, पीड़ित परिवार से जाकर मिले एनसीपीसीआर के अध्यक्ष। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने की सीबीआई जांच की मांग। पुंछ हमले में आतंकियों की तलाश हुई तेज, ड्रोन, खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टर से हो रही है तलाश। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में किया जाएगा भव्य जलाभिषेक, 155 देशों की नदियों से आया है जलाभिषेक के लिए पवित्र जल। सूडान की राजधानी खार्तूम में नहीं थम रही बमबारी, स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अमेरिका ने खार्तूम दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकाला। सऊदी अरब की मदद से निकाले गए भारतीय नागरिक। और News18 India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए News18 India पर भरोसा जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है, वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News18 India और इस वक्त अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। एसआईटी का दावा है कि अतीक के शूटर पहले ही अतीक से मुलाकात कर चुके थे। अतीक हत्या में शामिल शूटर लवलेश चकिया इलाके में अतीक से मुलाकात करने पहुंचा था और जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था। इसके साथ ही लवलेश अतीक की दहशत देखकर हैरान भी हो गया था। और उधर सूत्रों ने दावा किया है कि प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या करने वाले तीनों शूटर में एक लवलेश पहले भी अतीक अहमद से मिल चुका था और जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो अतीक की गुंडागर्दी की हनक देखकर हैरान हो गया था और इसी वजह से वो चकिया इलाके में अतीक अहमद से मिला, जहां अतीक अपने दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके गुर्गे बंदूक लिए उसकी सुरक्षा में तैनात थे। यही नहीं, लवलेश ने ये भी दावा किया कि उस वक्त बड़े बड़े कारोबारी और दूसरे लोग अतीक के सामने जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे और अतीक के इस रुतबे को देखकर शूटर लवलेश अतीक गैंग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाई।